So, hello friends. Welcome to my channel, Indian Cuisine Center. So, me is the recipe that in the 9th standard Hindi, the pehla chapter, Hindi ka pehla chapter, wo hai. Do. वो है दो बैलों की कथा। तो वो है दो बैलों की कथा। तो शेड्यूल में मैंने तीन पार्ट एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पे पांच दृश्य है, तीन दृश्यों को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आखिरी दो दृश्य को पहले आखिरी एक दो दृश्य को एक्सप्लेन करता हूँ, इस वीडियो में एक दृश्य को एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए दोनों तो पिछले दृश्य में दोनों एक वहाँ के एक जगह पे पहुँच गए थे, मगर वो कौन सा जगह था वो पता नहीं ये, लेकिन वहाँ के वहाँ पे उन्हें बहुत खाने के लिए वहाँ कुछ ढूंढ रहे थे। तब उन्हें अंदर मिली तो वहाँ जब खाने लगे तो वहाँ के कुछ आदमी उन्होंने पकड़ लिया। तो आगे चल के देखते हैं। तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। उन्हें ऐसा लगा पहली बार, समझ ही में ना आता था यहाँ कैसे स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यहाँ कई वैसे भी थे। इससे गया जो पिछले इसके मालिक थे, वो उसका मालिक के साले थे, उसके पास चोर कर रहे था उसके मालिक। तो वहाँ पे वह थोड़ा थोड़ा खाना डालता था, मगर ये कुछ भी नहीं डालते हैं। तो कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारे लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी काटने शुरू की, पर इससे क्या छुट्टी होती। तो रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दह उठी। मोती से बोला, आप तो नहीं रह जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो आखिर इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले तो मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। वाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंग दीवार में गाड़ दिया और जोर मारा। फिर तो उसका साहस बढ़ा, लेकिन इसने दौड़ा कर दीवार पर चोटे की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवर की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा ने उजड़ पर देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सियाँ किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। तो मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार भाई मार का ही क्या मिली। तो आपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना
किस काम का की और बंधन में पड़ जाए तो जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा तो कुछ परवाह ही नहीं उसे। योती तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंधे हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे वगैरह। हाँ यहाँ बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग को मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वहाँ दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे मानो कि बदली से लड़ रहे हैं। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई और उसे दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। तो दीवार के गिरने तक की आत्मरहस्य से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो गए और तीनों घोड़ियाँ सरपट भागा निकली, फिर बकरियाँ निकली। इसके बाद भैंस भी किसका गाय और पर गधे अभी तक जियो को क्यों करे थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यही पड़े रहेंगे, उन्होंने कहा। फिर आधी रात में रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वहाँ हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यही पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो मोती ने आंखों में आंसू लगा कर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिन एक साथ रहे थे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ। तो हीरे ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यहाँ तुम्हारी शरारत है, मोती गर्व से बोला। जिस अपराधी के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है, उसे बहुत गर्व हो रहा है। इतना तो वो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यहाँ कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंदूक के पास आकर सो गया। बोर होते ही मुशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में केसी कलकली मची। इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती के खूब मरमता हुई और उसे भी मोटी मोती रस्सी से मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो मोती को भी बहुत मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो आखिरी का एक दृश्य मैं अगले वीडियो में समझा हूँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करना, कैसा लगे कमेंट करना, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल उनको भी जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए लाइक से वीडियो कमेंट और मेरे सब्सक्राइब।